सिनेमा के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार का सुबह 7 जुलाई को निधन हो गया है। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग ने मुंबई के अस्पताल में 98 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। दिलीप कुमार के निधन के बाद बॉलीवुड और देश में शोक की लहर है। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग ने मुंबई के एक अस्पताल में सुबह 7:30 बजे अंतिम सांस ली। दिलीप कुमार की उम्र 98 साल थी। वो पिछले काफ़ी वक्त से बीमार थे। पिछले एक महीने में ही दिलीप कुमार को 2 बार अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और दिलीप कुमार को शाम 5 बजे मुंबई के गेहूं कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। दिलीप कुमार के निधन के साथ ही हिंदी सिनेमा के एक युग का अंत हो गया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कई राज्य के मुख्यमंत्री, बॉलीवुड के दिग्गजों ने दिलीप कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया और इस दिग्गज को अंतिम सलाम किया। दिलीप कुमार को मुंबई के खार हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिलीप कुमार के ट्विटर अकाउंट से उनके निधन की पुष्टि भी की गई। दिलीप कुमार को पिछले एक महीने में 2 बार अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 5 जुलाई को ही दिलीप कुमार के ट्विटर हैंडल से उनके हेल्थ पर अपडेट किया गया था। दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो द्वारा बयान में कहा गया था कि दिलीप कुमार की तबीयत में काफ़ी सुधार हो रहा है, वो अभी अस्पताल में ही है, आप उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें। लेकिन इस हेल्थ अपडेट के 2 दिन बाद ही दिलीप कुमार के इस दुनिया से अलविदा कहकर जाने की खबर सामने आ गई। 11 दिसंबर 1922 को ब्रिटिश इंडिया के पेशावर, अब जो कि पाकिस्तान में जन्मे, दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। यूसुफ खान ने अपनी पढ़ाई नासिक में की थी। राज कपूर उनके बचपन में ही दोस्त बन गए थे। वहीं से दिलीप कुमार का सफ़र बॉलीवुड में शुरू हो गया। करीब 22 साल की उम्र में ही दिलीप कुमार को पहली फिल्म मिल गई थी। 1944 में उन्होंने फिल्म ज्वारभाटा में काम किया, लेकिन उनकी इस फिल्म की अधिक चर्चा नहीं हो पाई थी और दिलीप कुमार ने करीब 5 दशक के करियर में 60 के करीब फिल्में की थी। दिलीप कुमार ने अपने करियर में कई फिल्मों को ठुकरा दिया था क्योंकि दिलीप कुमार का मानना था कि फिल्में कम हो लेकिन बेहतर हो। लेकिन दिलीप कुमार को मलाल नहीं भी रहा था कि वो प्यासा दीवार। और दिलीप कुमार ने साल 1966 में सायरा बानो से शादी की, जो फिर भी एक अभिनेत्री थी। जब दोनों की शादी हुई तब सायरा बानो दिलीप कुमार से 22 साल छोटी थी। दिलीप कुमार ने आसमा साहिबा से भी शादी की, हालांकि यह शादी सिर्फ 1983 तक ही चली थी, लेकिन सायरा बानो के साथ दिलीप कुमार का अंतिम सांस तक साथ बना रहा। सायरा बानो लगातार अस्पताल से दिलीप कुमार के चाहने वालों को उनकी हेल्थ अपडेट देती रही। ज्वारभाटा से शुरुआत करने वाले दिलीप कुमार की यादगार फिल्मों में शहीद, मेला, नदिया के पार, बाबुल, फुटपाथ, देवदास, नया दौर, मुगले आजम, गंगना जमुना जैसी फिल्में रही और दिलीप कुमार की आखिरी फिल्म किला थी, जो 1998 में आई थी। दिलीप कुमार को भारत सरकार द्वारा अवार्ड से नवाजा गया। दिलीप कुमार को पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड पद्म विभूषण से नवाजा गया। दिलीप कुमार 2000 से 2006 से राज्यसभा सांसद भी रहे। पाकिस्तान में भी दिलीप कुमार को अपने सर्वोच्च नागरिक के अवार्ड से